अपोलो प्लेइंग विद गॉड लाइक. सो सीन ये है कि पहले अपोलो वॉज अबाउट टू गो इन गॉड लाइक, ये सबको पता होगा, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सबको पहले से पता था, बट फिर जो चीज़ें हुई वो हुई और फिर उसके बाद अपोलो जी टी में खेला एंड जी टी के साथ भी अच्छा खेला, काफ़ी बढ़िया खेला. अब ही इज प्लेइंग अगेन विद गॉड. हो सकता है ये जो फ्यूचर वाली बात थी जो पहले हो सकती थी वो अब हो रही है, बट दिक्कत यह है कि गॉडल के अंदर गिनाओ कितने लोग हैं गाइस, गिनाओ कितने लोग हैं. जॉनी को तो प्लेइंग फोर में डालेंगे डालेंगे, तो जॉनी गॉड है, आईजीएल तो खेलेगा ही, तो जेली, ठीक है, इसके ऊपर से आदित्य है, इसके साथ साथ मैक था है पता नहीं, फिर इसके साथ साथ अभी अपोलो खेल रहा है. अपोलो का हो सकता है कि टेम्प्ररी हो या क्या हो, मुझे नहीं पता, ये ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है, बट आई एम सेइंग कि अगर है तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों की लाइनअप बन गई, कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है ये. नो मैक अब लोग कह रहे हैं, तो अगर मैं इसे श्यू कर दूँ तो फिर 4 लोगों की लाइनअप बनेगी, बट फिर अगर अपोलो खेलेगा तो अपोलो किसकी प्लेस पे खेलेगा, क्या वो गॉड की प्लेस पे खेलेगा आ जाता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक लग रहा है अपोलो इस रोल पे ज़्यादा बेटर फिट करेगा असॉल्टिंग के, फ्रंट लाइन असॉल्ट के रोल पे बहुत आराम से. तो ये हो सकती है फिर लाइनअप, ये हो सकती है एक लाइनअप. तुम्हें क्या लगता है, तू अपने हिसाब से बता, तुम्हारे लिए तुम्हारे सबसे बेस्ट लाइनअप क्या हो सकती है जो कि तुम्हें लगता है कि हाँ दिस लाइनअप विल एक्चुअली गेट अस परफॉर्मेंस, क्योंकि सच बताओ तो गॉडल की जितनी लाइनअप सबसे बनी सभी बढ़िया थी भाई, परफॉर्मेंस वाला लाइनअप थी, बट पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो बीटी है जो समझ तो मुझे तो नहीं आ रही. बाकी भी बढ़िया लाइन इवेंट. अच्छा हाँ, डेट जो लोग पूछो था 16 से 18 होने वाला है हमारा ESL. यू विल कैच मी हियर मोस्टली. और 22 से 24 होने वाला है आईको, एंड दोनों दिल्ली साइड ही हो रहे हैं, तो दोनों नोएडा में सेम ही स्टेडियम के अंदर होंगे ताकि ऑडियंस को बुलाया जा सके, तो दोनों का सेम वही है, ठीक है गाइस, दोनों सेम जगह होने वाले हैं.